वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कश्यप। आज हम करने वाले हैं हमारा गणित क्लास 6th 7th 8th सभी बच्चों के लिए है। डे 25 है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से करना है। चलते हैं। अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाइए तथा इसमें गुजरने वाली रेखाएं खींचें। तो जैसे एक बिंदु में हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। तो ये हमारा है, इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम इस बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। आप दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाएं और उसमें गुजरने वाली रेखाएं, तो उसमें सिर्फ एक ही रेखा गुजरेगी। आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएँ खींच सकते हैं, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में प्रश्न 4 से बनाए गए बिंदु को ए और बी नाम दें, और अब एक और नया बिंदु सी रेखा ए बी के ऊपर या नीचे लें और ए बी और व सी से मिलाएं। बताइए कौन सी आकृति बनेगी। तो हमारे यहाँ पे त्रिभुज आकृति बनेगी। 6th क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में ऐसी कितनी त्रिकोण आकृतियों कौन कौन सी देखी है, तो ये अपने आप करना है बच्चों। अब यदि ए बी सी और तथा डी कोई चार और एक ही बिंदु हैं लिए जाएं, तो इन्हें क्रम अनुसार जोड़ा जाए, तो ए बी सी से बी को सी, से सी को डी, से डी को ए से, तो क्या आकृति बनेगी। तो इसको हम अभी करते हैं। तो ये हमारी चतुर्भुज आकृति बनेगी हमें चारों बिंदु को मिलाने से। तो हमें 8th क्वेश्चन में इसी प्रकार आप 5, 6 व 7 आरेखी नॉन कॉलिनर बिंदु लेकर इन्हें क्रम अनुसार जोड़कर नई आकृति बनाएं। तो बेटा ये रफ है, आप अपने आप बना सकते हैं, मतलब डॉट लगा के अपने आप देखें कि कौन कौन सी आकृति बन सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पर्पल वाले में 5 डॉट्स लगाए हैं, और ब्लू वाले में हमने 6 और ऑरेंज वाले में हमने 7 डॉट लगाए। तो इसी तरीके से आप भी लगाइए और देखिए क्या बन। आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है, इसका गणितीय नाम क्या है। तो इसका घनाभ है क्यूबॉइड के नाम से, जो हमारा शेप्स दे भी रखा है। अगला क्वेश्चन है 10वां, हाथों में पहले पहने जाने वाली एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के ऊपर रखने से किस तरह की आकृति बनेगी। तो बच्चों ये बेलन आकृति बनेगी, मतलब सिलेंडर, एक के ऊपर एक हम चूड़ियाँ रखेंगे तब हमारा बनेगा। और 9th क्वेश्चन में हमारा कि घनाभ, तो हमारा कमरा एक क्यूबॉइड के शेप में होता है, तो इसमें ध्यान रखना है हमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।